कि सभी दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम बड़े प्रफुल्लित मन से और थोड़ा सा हल्का सा ठंडाई जो कि भांग मिली हुई है उसके साथ में सेवन करने के बाद में आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और थोड़ी भंग की तरंग में कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो थोड़ा आज के लिए क्षमा कीजिएगा। बट आज इस होली के रंग में और मस्ती, होली की मस्ती के साथ में हम आपके सामने आए हैं हमारे इंदौर के सुप्रसिद्ध, विश्व विख्यात, पूरे इंदौर की शान, इंदौर शहर से हजार दो हजार पता नहीं कितने अवार्ड जो कि डिबेट कंपटीशन में जीते हुए हैं, पूरे राष्ट्रीय कवि का जिनको दर्जा प्राप्त है, पूरे इंदौर में, विश्व में, मध्य प्रदेश, भारत की तो बात ही छोड़ दें हम, पता नहीं कितने कवि सम्मेलन उन्होंने किए हैं और वाहवाही लूटी है। इंदौर के नाम का परचम इन्होंने पूरे भारतवर्ष में तो लहराया ही है, विश्व में लहराया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सबसे ज्यादा डिबेट कंपटीशन जीतने के लिए उनको सम्मानित किया, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन उन्होंने उनको सम्मानित किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन जो बुक निकलती है उसके वो एडिटर हैं। भारत के दो दो राष्ट्रपतियों ने उनको सम्मानित किया और ऐसे पता नहीं कितने कितने सारे सम्मान, कितने सारी उपाधियां उनके नाम से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब वो अपने रंग में आते हैं और हल्का सा मस्ती के मूड में आते हैं तो फिर आपके और हमारे जैसे सभी लोगों के चेहरे पे अपने आप ही मुस्कान आ जाती है और मंत्रमुग्ध होके हम सिर्फ उनको सुनते रहते हैं। हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं या हमारे बड़े भाई का स्वागत करते हैं, राजीव शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मतलब मैं तो बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा हल्का सा भांग का जरूर जरूर है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत नियंत्रित करते हुए आपके सामने तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अंदर से जो खुशी निकल रही है आज उनके साथ में मैं बैठा हूँ, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। और साथ में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कविता पे PhD कर रही नवोदित कवियत्री पूजा राज को। गीत, गजल, कविताएं हर विधा में ये पारंगत हैं और इनके जो रचनाएं हैं वो लोकप्रिय हैं, पूरे धीरे 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 कवि सम्मेलनों के मंच पे निरंतर लोकप्रिय होती हुई और जगह जगह जाके अपनी कविताओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने का इनके अनोखा हुनर है। और भाग्य से ये आज हमारे साथ में, हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई है। आपका स्वागत है पूजा जी। धन्यवाद सर। तो सर मैं थोड़ा सा आपके सामने बैठ के बड़ा असहज जरूर हूँ, लेकिन मस्ती में हूँ जरूर, और मैं चाहता हूँ कि आज हमारे जो दर्शक हैं वो भी थोड़ा सा आज इस भंग के रंग को महसूस करें और थोड़ा होली के अवसर पे एक ऐसी झन्नाटेदार, मसालेदार इंदौरी कुछ रचना मिल जाए उनको। जी 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 सर जी भाई, तो पूजा राज जी से सिलसिला शुरू करें तो जी ज्यादा। जी सर। तो पूजा जी, हमारा भी यही चाहे कि इंदौर क्या जो नमकीन है उसका थोड़ा सा नमक हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे। जी सर जरूर। मैं आपके सामने छोटी सी कविता सुनाऊंगी। हमें लगे बड़े प्यारे जी, बड़े प्यारे, ए भौजी भैया तुम्हारे। हमें लगे बड़े प्यारे जी, बड़े प्यारे, ए भौजी भैया तुम्हारे। होली का त्योहार है आया, होली का त्योहार है आया, भौजी का भैया गोला ले ले आया, भौजी का भैया गोला ले ले आया। हमें बड़ो डर लागे जी, डर लागे, ए भौजी भैया तुम्हारे। हमें लगे बड़े प्यारे जी, बड़े प्यारे, ए भौजी भैया तुम्हारे। होली के वो बड़े खिलाड़ी, होली के वो बड़े खिलाड़ी, होली के वो बड़े खिलाड़ी। मना करे पर बाते न माने, मना करे पर बाते न माने। हरो पीलो रंग डाले जी, रंग डाले, ए भौजी भैया तुम्हारे। हमें लगे बड़े प्यारे जी, बड़े प्यारे, ए भौजी भैया तुम्हारे। रंगों से भरी मारे पिचकारी, रंगों से भरी मारे पिचकारी, ओ मोरी भौजी भराई मोरे साड़ी, ओ मोरे भौजी भराई मोरे साड़ी।
हरो पीलो रंग डाले जी रंग डाले, ए भौजी भैया तुम्हारे हमें लगे बड़े प्यारे जी बड़े प्यारे, ए भौजी भैया तुम्हारे। धन्यवाद सर। भौजी को आपने रिक्वेस्ट किया है कि नहीं डालना है कि डालना है? भौजी के जो भाई है वो उनको पसंद आ गए तो वो भाई तो है आपके जी, लिए जी जी, पर वो भौजी से बोलवा रहे हैं या डायरेक्ट भैया को मैसेज है? भैया को मैसेज है सर डायरेक्ट। और एक कविता सुनाओ पूजा, हास्य की कविता सुनाओ। हास्य कविता सर रामकली वाला है एक, जो कॉलेज में बच्चा नया नया जाता है तो उसका मन परिवर्तित हो जाता है कॉलेज में जाके। बड़ा हुआ मैं कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो राम कली को दे आया। बड़ा हुआ मैं कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो राम कली को दे आया। राम कली के प्यार में पागल रात रात ना सोता था, बात न करती राम कली तो फिर मैं बैठ के रोता था। बात न करती राम कली तो फिर मैं बैठ के रोता था। राम कली तो चंचल सी उसको ना मेरी परवाह थी, राम कली तो चंचल सी उसको ना मेरी परवाह थी, जाने कितनों के दिल से खेली अब तो बारी मेरी थी। जाने कितनों के दिल से खेली अब तो बारी मेरी थी। भूल चुका था माँ का आंचल राम कली के चक्कर में, कॉलेज जाकर ममता वाले सारे बंधन तोड़ा मैं, कॉलेज जाकर ममता वाले सारे बंधन तोड़ा मैं। राम कली से धोखा खाकर माँ की ओर लौटा मैं, राम कली से धोखा खाकर माँ की ओर लौटा मैं, ममता वाले आंचल पाकर सारे गम को भूला मैं, ममता वाले आंचल पाकर सारे गम को भूला मैं। दूसरी गली मिल गई होगी। भूल गया फिर सारे गम को। चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा पूजा जी। वास्तव में एक जब नया नया भवरा कॉलेज में जाता है तो बहुत सारी नई नई गलियां दिखती है और भवरे जी सर। जो कॉलेज का सर माफी चाहता हूँ आपके सामने, ये जी, जी। जो कॉलेज में जो भवरे मंडराते हैं। हाँ सर, वो कॉलेज जाओ तो ऐसा थोड़ा माहौल थोड़ा दिख जाता है, तो उसी के वजह से मैंने। तो पूजा जी, ये कॉलेज के जमाने में जो भवरे वे मंडराते हैं, ये तो सर जैसे आज इन्होंने बताया कि आज के परिदृश्य में इस तरह की जो नया माहौल नया कल्चर है उसी में इन्होंने कविता ढूंढ ली जी। तो आज ये होली के रंग में जो सर नया नया अभी जो अब क्या हो सकता है, आज के दौर की होली में कैसा देखते हैं आप इसको? ये जो हमारे मालवी लोग हैं जी, इनको तो क्या है वही कीचड़ में लूट लगाने में मजा आता है, होली में कोई सा भी रेड नाइन के तमाम दर्शकों को मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा हार्दिक प्रणाम करता हूं, तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं और स्वस्थ कामनाओं के ये पारिजात समर्पित करता हूं कि मालवा अंचल की ये वाली होली आप सभी के जीवन में खुशियों का संदेश लेकर आए, आपकी जिंदगी की बगिया लहलाती रहे। और जैसा कि हमारा नाम ही इस चैनल का रेड नाइन है, इसका अर्थ ये है कि नाइन जो है वो सबसे बड़ा अंक होता है इकाई में, इससे बड़ा अंक कोई नहीं होता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म भी नाइन यानी नवमी को हुआ था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत नगामा पावस काल लोक विश्रामा, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। क्योंकि ये जो नौ है ना रेट के बाद लगा हुआ, ये नौ का पारा आप बोलिए, नौ एकम नौ जोड़िए नौ, नौ दुनिया अठारह, आठ और एक नौ, नौ तीन सत्ताईस, दो और सात नौ, नौ चौक छत्तीस, छह और तीन नौ, आप नमे नमे इक्यासी, आठ और एक नौ से लेके नौ धाम नब्बे, नौ धन शून्य बराबर नौ। तो नौ इकाई को भारतीय संस्कृति में बहुत आदरणीय माना गया है, इसलिए रेड नाइन के
मंच से चूंकि आदरणीय संजय भैया ने, मेरे अनुज हैं, मालवांचल की बात कही, तो मालवा का आदमी तो संजू भाई बड़ा मस्ताना होता है, मतलब इतना मस्ताना होता है कि कुएं में गिर गया तो पट्टा रोता नहीं, नहाने के लिए साबुन मांगता है, जब गिर गया हूं तो नहा के ही निकलूं, और पूरे विश्व में कहीं भी चले जाओ मालवा का आदमी जरूर मिलता, और वहां पर वो जहां कर भी मिलता वो कभी भूखा नहीं मरता। क्यों भूखा नहीं मरता? क्योंकि वो अपने साथ हमेशा सीएम रखता है, और जिसके बाद वो हर जगह सीएम रखता है, मतलब मालवा के आदमी की इतनी विशेषता है, ये इतना जुगाड़ू होता है। एक बार संजू भाई क्या हुआ कि मालवा का आदमी अपने घर के पांचवें मंजिल की छत पे घूम रहा था, और नीचे से कोई चिल्लाया कि रामलाल तेरी छोरी भाग गई। अब वो जैसे ही वो आदमी ने सुना तो वो पट्टा पांचवी मंजिल से कूद पड़ा, वो कूदा और चौथी मंजिल पे जब आया तो उसको याद आया कि यार मेरी तो कोई छोरी है ही नहीं यार। तीसरी पे आया तो उसको याद आया कि मेरा तो अभी तक ब्याह भी नहीं हुआ यार। और दूसरी पे आया तो उसको याद आया कि मेरा नाम तो रामलाल है ही नहीं यार। और वो धड़ाम से, तो हम मालवा के आदमी जो है वो हर हाल में मस्ती के मूड में रहते हैं। अभी कल मैं टेलीविजन पर समाचार सुन रहा था तो कर्नाटक के बेंगलोर में घटना ये हुई कि होली के कुछ रोज पहले वहां पर एक पुत्र ने अपने बुजुर्ग पिता को खटिया के ऊपर पीट दिया। बड़ी ऐसी घटना हुई जिसने मुझे सोचने पर बाध्य कर दिया, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखा, ये मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, और देखिए उससे हास्य भी निकलेगा और संदेश भी आएगा कि गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, होली पे ये क्या हो रिया, गणपति बप्पा मोरिया, होली पे क्या हो रिया, बेटा बाप को खटिया ऊपर पटक पटक के धो रिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। और इन दिनों जो राजनीति का परिदृश्य है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, चुनावी वोट पर मध्य प्रदेश आ चुका है, तब मैं कहना चाहता हूँ संजय भैया की राजनीति ऐसा जंगल, प्रतीकों में बात है, राजनीति ऐसा जंगल, रोज रोज होवे दंगल, राजनीति ऐसा जंगल, रोज रोज होवे दंगल, वट वृक्ष कटे कटे संदल, फॉरेस्ट गार्ड ही सोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। और कुछ वर्ष पहले होली पर इंदौर शहर में घटना हो गई थी, यहाँ पर एक सास ने अपने बहू के 46 टुकड़े करके एक बगीचे के पास फेंक दिए थे, थैले में प्राप्त हुए थे। देखिए मैं उस सोच को इस होली से कैसे जोड़ना चाहता हूँ कि धनवंतरी तू कैसी सास, धनवंतरी नाम था, धनवंतरी तू कैसी सास, बहु भूमिका तो थी खास, धनवंतरी तू कैसी सास, बहु भूमिका तो थी खास, फिर क्यों घोटी सास ने सास, फिर क्यों घोटी सास ने सास, प्रश्न अभी तक हो रिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। और होली का अवसर है, होली पर तरह तरह की मैंने कामनाएं की है, एक नई रचना आपके समक्ष संजू भाई मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें हास्य भी है और एक कवि के रूप में मैंने कामना की है कि उस पर्वत दिगार की नायत इस विश्व वसुंधरा पर ऐसी क्या हो कि सब सुखी हो जाएं, क्योंकि रेड नाइन की मंशा भी तो यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब निरोग रहें, सब आगे बढ़ें, सब तरक्की करें, सब हंसते रहें, क्योंकि सबकी प्रगति में ही हमारी प्रगति होती है। तो एक नई कविता आपके समक्ष रख रहा हूं संजू भाई, आशीर्वाद चाहूंगा कि रंग संग झूमो रे अब के होली में, आहा आहा बोल सकती हूँ जी, रंग संग झूमो रे अब के होली में, फाग संग घूमो रे अब के होली में, फाग संग घूमो रे अब के होली में, प्रेम को पैगाम लायो रंग होली को, खुशियों को माथ चूमो रे अब के होली में, खुशियों के मालवा में होली को होली लव, महाराष्ट्रीयन थोड़ा टच आ जाता है संजू भाई अपनी, तो मालवी की का प्रयोग कर रहा हूं मैं। पहला पैराग्राफ देखिए,
होली को संदेशो कहे रब तो एक है, होली को संदेशो कहे रब तो एक है अलग अलग भाषा वतन तो एक है अलग अलग भाषा वतन तो एक है। कोई कहे श्यामा तो कोई कहे राधा, कोई कहे श्यामा तो कोई कहे राधा, जुदा जुदा नाम है पर भाव एक है, जुदा जुदा नाम है पर भाव एक है। होली की कहन है मस्ती में रहो जी, इसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी सब तो जबरदस्ती जिंदा है। हस्ती होना चाहिए जिंदगी में। तो होली की कहन है मस्ती में रहो जी, होली को प्याम है प्रणाम कहो जी, सब दर्शकों को प्रणाम, जय श्री राम। होली को प्याम है प्रणाम कहो जी, गुलमहर पे लालिता तो छाई है घनी, गुलमोहर पे लालिमा तो छाई है घनी, खुशबू सा जरा मचलो होली में बहो जी, खुशियों से जरा मचलो होली में बहो जी, प्रीत के काजल को नैनन में लगाओ, प्रीत के काजल में नैनन में लगाओ, अरे प्रीत के काजल को नैनन में लगाओ, तक दिना दिन तक दिना दिन ताल मिलाओ, तक दिना दिन तक दिना दिन ताल मिलाओ, उल्लास को अबीर लेके रास रचाओ, उल्लास को अबीर लेके रास रचाओ, हिल मिल के सगरा मानव दानव को हराओ, बहुत बढ़िया सर, हिल मिल के सगरा मानव दानव को हराओ। और संजू भाई क्या क्या हो इस होली में, स्क्रीन के माध्यम से तमाम दर्शकों के लिए ये अभिलाषा कर रहा हूँ मैं, सरस्वती का एक छोटा सा आराधक, कि बुरा बुरा कर्म जले अब के होली में, बुरा बुरा कर्म जले अब के होली में, नेक नेक धर्म पले अब के होली में, प्रहलाद जैसी भक्ति बढ़े अब के होली में, शिव के संग में शक्ति चले अब के होली में, शिव के संग में शक्ति चले अब के होली में, सबको बधाई मिले अब के होली में, खुशियों की रजाई मिले अब के होली में, कुंवारों को लुगाई मिले अब के होली में, सुरों को शहनाई मिले अब के होली में, बिल्ली को मलाई मिले अब के होली में, दानी को कमाई मिले अब के होली में, सुख को मत ढूंढो माया के थाल में, सुख को मत ढूंढो माया की थाल में, खुद के मन में साई मिले अब के होली में, खुद के मन में साई मिले अब के होली में, दड़ियल को नाई मिले अब के होली में, खुद बाप को जवाई मिले अब के होली में, रहे ना कोई भूखा न फटे हाल हो, संजू भाई को देखना पूजाएं, रहे न कोई भूखा न फटे हाल हो, अरे कोट पेंट टाई मिले अब के होली में, कोट पेंट टाई मिले अब के होली में, ये हजल गाई राजीव ने अब के होली में, चाट संग भेल दी है अब के होली में, मृदु हास की ये रेल दी है अब के होली में,
उदासियों को जेल दी है अब के होली में, उदासियों को जेल दी है अब के होली में, रंग संग झूमो रे अब के होली में, भाग संग घूमो रे अब के होली में, प्रेम को पैगाम लायो रंग होली को, खुशियों को माथ चूमो रे अब के होली में, खुशियों के माथ चूमो रे अब के होली में, खुशियों के माथ चूमो रे अब के होली में। तो होली की भंग की तरंग में आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे एडिटर महोदय हैं, जो ये पूरा प्रोग्राम को वीडियो रिकॉर्ड करके साथ में आप तक पहुंचाते हैं, वो भी मस्ती में आ गए। वो मस्ती मस्ती में उनको कैसा लग रहा है कि आज तो नहीं सब मैं भी गाऊंगा। तुमने कहा आ जाओ साहब, हम तो इंदौरी हैं, आप भी आ जाओ, थोड़ा हमारे पे एहसान कर दो, कुछ ना कुछ दिखा दो। बिल्कुल। तो हमारे परम जी हैं, हमारे रेड नाइन के परिवार के सदस्य हैं, ये हमारे वीडियो एडिटर हैं, लेकिन उससे बड़े फनकार हैं, और इनके कई सारे जो वीडियो हैं, म्यूजिक एल्बम है, वो यूट्यूब पे वायरल हो रहे हैं, और अभी लेटेस्ट ताज़ा इन्होंने अभी तल के ही लाए हैं हमारे सामने, अभी कढ़ाई में। हम इनसे बोलते हैं कि साहब हमारे सामने एक इनका गरम गरम बनाया हुआ एक जो एक नाश्ता है वो हमारे सामने, कुछ हमको भी थोड़ा टेस्ट कराएं उसका। जी जी। तो सर एक पंजाबी सॉन्ग है जो कि अभी हाल ही में मैंने रिलीज किया था यूट्यूब पे, तो वही मैं सुनाऊंगा। स्वागत है सरदार जी। वाह। एक तेरा सोनिए नी नखरा के महाए, दूजा तेरा मुखड़ा मलाई वरगा, जग नु विपुल जावे जेड़ा तैनू वेख ले, कुड़िए नी इना तेरा क्रेज चलदा, एक तेरा सोनिए नी नखरा के महाए, दूजा तेरा मुखड़ा मलाई वरगा, जग नू विपुल जावे जेड़ा तैनू वेख ले, कुड़िए नी इन्ना तेरा क्रेज चलदा, अखां दे इशारे तैनू समझ नहीं आंदे, अखां दे इशारे तैनू समझ नहीं आंदे, ते सीधी गल्ला मेरे मुंह तो होना नहीं, एक तेरा सोनिए नी नखराए के महाए, दूजा तेरा मुखड़ा मलाई वरगा, जग नू वी भुल जावे जेड़ा तेनू वेख ले, कुड़िए नी इन्ना तेरा क्रेज चलदा। सरदार जी, चूंकि यहाँ पर आए तो एक ख्याल हुआ है संजू भाई कि हिंदी साहित्य के शब्दकोश में 1,000,000 शब्द हैं। संजू भाई 1,000,000 शब्द हैं हिंदी साहित्य की डिक्शनरी में। सामान्यतः किसी भी शब्द के पहले अ अक्षर लगाओ तो वो उसका विरोधी हो जाता है। जैसे न्याय, न्याय के पहले लगा अ अक्षर तो न्याय से अन्याय विलोम शब्द। जैसे शोक, शोक के पहले लगा अ अक्षर तो शोक और अशोक एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड। जैसे सत्य, सत्य के पहले लगा अ अक्षर तो सत्य और असत्य एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द। तालियां इस बात पर आनी चाहिए कि हिंदी साहित्य के 1,000,000 शब्दों में एक मात्र सरदार शब्द ऐसा है, असरदार हो जाता है, जिसके पहले अ लगाओ तो वो विरोधी नहीं होता, विपरीत नहीं होता, वो ज्यादा प्रभावी हो जाता है। सरदार असरदार, तो असरदार प्रस्तुति रही, सरदार जी की प्रस्तुति असरदार रही। थैंक यू सो मच। नमस्कार वंशा जी। भाई तो बोलिए इसका साथ ही हमें मालवा था लोगानी इजाजत देव। हम सबका साथ में कल ये परसों ने अभी पंचमी का दिन भी लोड लगाऊंगा, खूब जूता चप्पल उछालूंगा राजवाड़ा पे। गुलाल गुलाल तो हमारे यहाँ चले ही नहीं, यहाँ तो गोबर ने कीचड़ ने वही चले सब, और उनका साथ में हम सब राजवाड़ा पे चल के रंग पंचमी पे ने कल होली वाले दिन आज के कभी खेलांगा। तब तक के लिए हमारे इजाजत दीजो, ने हमारा राजीव सर के ने पूजा जी के भी बोल लो कि हमारा स्टूडियो में फिर से साथ में आए, ने हम सबके ऐसी रंगीन करा करें। नमस्कार। राम राम भैया। राम राम।